हॉर्नबिल। सो टुडे वी आर डूइंग ए फोटोग्राफ रिटन बाय सिरले टॉल्सन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके बारे में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, एक बार लिंक में जाके जरूर देखना। नाउ स्टार्टिंग विद द पोएम, ये दो फेजेस में बटी हुई है, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। मतलब सिरले टॉल्सन बैठे हैं, अपनी मदर की फोटोग्राफ देख रहे हैं, जैसे दीवार पे हैंग कार्डबोर्ड है उसको, और अपने पास्ट के बारे में कुछ याद कर रहे हैं। सो ये तो पूरा पास्ट पे डिपेंडेंट है, यहाँ से यहाँ तक तो, एंड ये थोड़ा प्रेजेंट में है। सो स्टार्टिंग विद द पोएम, द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ, पेस्टेड ऑन हार्ड थिक पेपर। हार्ड थिक पेपर मतलब जो एकदम थिक पेपर होता है उसके ऊपर जो फोटोग्राफ पेस्ट करके हम कहीं पर लटका देते हैं, जस्ट ऐसे करके कुछ होता है, ये बाहर का बॉर्डर टाइप बना के उसे कहते हैं कार्डबोर्ड। नाउ द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब है बांह पकड़ के, पकड़कर झूलना। मतलब जैसे ये उसकी मदर है, ये हाथ ये टांग, ये दो कजन सिस्टर्स हैं, ये इसका हाथ पकड़ रखा है इसने, इधर भी कजन सिस्टर है, उसने भी इसका हाथ पकड़ रखा है और मस्त मज़े में झूल रही है, उसे कहते हैं पैडलिंग। ठीक है, ये सब के सब है कहाँ पे? बीच पे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, हाथ पकड़ रखा है और पैडलिंग कर रहे हैं, झूल रहे हैं। नाउ एंड सी इज़ द बिग गर्ल, और वो जो उसकी मदर है वो सबसे बड़ी लड़की है। सम 12 ईयर्स और सो, मतलब 12 साल के समथिंग की एज थी सिरले टॉल्सन की मदर की इस पोएम के हिसाब से, जब वो बीच पे गए थे घूमने अपनी दो कज़न सिस्टर्स के साथ जो उनके साथ खेल रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल द स्माइल थ्रू देयर हेयर। नाउ इस लाइन का मतलब है, जैसे अगर हम तो फिर भी, जब मैं तो लड़का हूँ, अगर लड़कियाँ जब नहाती हैं तो कभी मतलब बीच वगैरह में देखा होगा, उनके बाल आगे की साइड आ जाते हैं अगर खुले हों तो। सो पूरे फेस पे थोड़े थोड़े बाल थे और उनके अंदर से उनकी स्माइल दिख रही थी, वही स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब नाउ ये जो तीनों बीच पे खेल रहे थे, इनकी फ़ोटो जो क्लिक कर रहे थे वो थे अंकल, चचेरे। वैसे फूफा को भी अंकल ही कहते हैं, ताऊ को भी अंकल, यहाँ चाचा, मैं मान के चल रहा हूँ कि चाचा थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मतलब सिरले टॉल्सन जो बता रहे हैं उनके जन्म से पहले का ये फेस था। एंड द सी मतलब अब समुद्र की बात कर रहा है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। मतलब समुंदर ज़्यादा बदला नहीं है, वो क्या कर रहा है? वॉश देयर टेरिबल ट्रांसिट फीट। वॉश कर रहा है मतलब धो रहा है, साफ कर रहा है, क्या टेरिबल अद्भुत ट्रांजिट फिट। ट्रांजिट मतलब होता है अस्थाई फिट, मतलब यहाँ पे जो इसका मीनिंग मिल रहा है, समुद्र के पानी की वजह से उनके पाँव हिल रहे थे और वो हिलते हिलते धो रहा था। वैसे एक और मतलब भी होता है, अल्पकालिक पाँव धो रहा था। अल्पकालिक का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं करता। सो ट्रांजिट मतलब अस्थाई। नाउ ये तो पूरा पास्ट के बारे में था। नाउ अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आया है, थोड़ा सा प्रेजेंट में, पूरा फुल प्रेजेंट में नहीं, थोड़ा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, इस फोटो के बाद, सम 20-30 20-30 साल के बाद, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब होता है जो फोटो क्लिक करके स्नैप निकाल लेते हैं उसे कहते हैं। उसकी मदर इस फोटो पे हंसती थी और कहती थी, सी बेटी एंड डॉली। बेटी कौन थी? ये थी भाई बेटी। ये कौन थी? डॉली। कहती थी, बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड एस फॉर द सी। मतलब कहती थी कि तू उन्हें देखो कैसे, मतलब जब वो बीच पे जाते तो कुछ अलग सी ड्रेस पहन के जाते कि कैसी ड्रेस पहन रखी है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। मतलब समुंदर पे जाना
उसकी मदर का पास्ट था, और उसका पास्ट क्या है, उसकी मदर का हंसना, बिकॉज बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ईज मतलब सुख, लेबर्ड मतलब अस्वाभाविक, या फिर हम कह सकते हैं श्रम। नाउ बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस, मतलब दोनों के दोनों अपने सुख से, सुख को खोने का मतलब, ये तो इनका ये हॉलीडेज खो चुके हैं और ये उनकी हंसी खो चुका है, इसको छुपाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सी ही इज़ बीन डेड नियरली एज मैन ईयर्स एज दैट ईयर गर्ल लिव्ड, मतलब उन्हें लगभग मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल वो जीवित रही थी, मतलब अगर वो 30 की थी तो 30 साल मरे हो गए, 5 की थी तो 5 साल मरे हो गए, मतलब वैसे ही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और उनके बारे में अब और कुछ कहना, मतलब ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस थे इनके बारे में और कुछ कहना गलत है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब उसकी जो चुप्पी थी, साइलेंस थी, वो मुझे भी चुप करा जाती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। सो पैडलिंग मीन्स, ट्रांजिएंट मीन्स अस्थाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे तो इसका क्षणिक मतलब होता है, क्षणिक। सो दैट्स ऑल।